नमस्ते साथियों, ये है मेरा स्विस चीज प्लांट। ये हम अपने गार्डन में जब कभी काम करते हैं तो हमें अपने पेड़ों में कभी कभी कुछ पेड़ों में ग्रोथ कम सी नजर आती है। ये क्लीनिंग करते समय कभी कभी हमारे साथ में कुछ हादसे हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये इस प्लांट में हमें ऊपर से ग्रोथ कम नजर आ रही है और नीचे से तो ग्रोथ दिख रही है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसको हम कैसे बुशी बना सकते हैं और इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। मैं हूं मीना निगम, छोटी सी बगिया से। साथियों देखिए, ये इसकी इस तरफ से ग्रोथ रुकी हुई है ना। अभी देखने पे ये पता लगा कि ये देखिए, ये इसमें से ये इसका जो नॉट है यहाँ से देखिए, ये गल गया है। इस रॉड में बंधे बंधे ये पूरा काला हो गया है, इसलिए यहाँ आगे तो इसकी ग्रोथ हो रही है लेकिन नीचे से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बीच पे ड्रॉप हो रहा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि इसको हम काट के अलग कर देंगे ताकि ये यहाँ से ग्रोथ पकड़ ले। देखिए ये न्यू शूट शुरू हो रही है, यहाँ से एक ये हो रही है, तो ये यहाँ से हमको इसको काट देना चाहिए है ना, इसलिए इसको यहाँ से काट देते हैं। ये यहाँ से अलग हो गया, ये अब यहाँ से अपनी नई शूट्स ले लेंगे। देखिए ये हम दिख रही है आपको, ये इधर है इस तरह से, ये देखिए ये दिख रही है, और ये यहाँ से ये देखिए, इसमें भी एरियल रूट से ना ये अपने आप को पकड़ लेगा। अभी हम इसको और अच्छे से ठीक करते हैं। साथियों इस प्लांट का नाम मॉन्स्टेरा स्विस प्लांट, स्विस चीज प्लांट या फिलोडेंड्रॉन भी बोलते हैं, है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लंबे पत्तों का होता है। ये किसी बड़े पेड़ के साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा खिलता है, दूर दूर सा होता है। लेकिन अब जो हमारे पास भी जगह नहीं है तो हम लोग इस तरह से इसको मैनेज करके रखते हैं, है ना। इसकी ग्रोथ रुकने के कारण इसमें ये देखिए पत्ते सब पीले पड़ रहे हैं, ये इसके नीचे से ये देखिए ये सब। साथियों देखिए, जो बड़ी बड़ी इसकी रूम डगाले थी इसको मैंने काट दिया है और उसको फिर मैं नीचे से कटिंग करके लगाऊंगी। और जब इसको पूरा खाली किया है तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से गुड़ाई करके और थोड़ा सा इसको फर्टिलाइज करेंगे। ये देखिए ये सब देखिए, अगर रूस इसकी है इसमें ये सब भर रही है, ये देखिए इसको थोड़ा सा। अब इसमें हम देखते हैं इसका फर्टिलाइज क्या करना है। ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, ये पुरानी काउडंग गोबर की खाद जो कहते हैं, देखिए ये पूरी बोरी बोरी बहुत पुरानी है, 2-3 साल पुरानी, और ये नीम खली है और ये बोन मील है। ये सबको हम मिला करके इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज करेंगे इस तरह से चूरा चूरा करके, हाँ। और इसको पूरे जड़ की तरफ नहीं करेंगे, किनारे किनारे पे इस तरह करेंगे, जितनी जगह ये खाली पड़ी है इसको करने से। पूरा मिक्स कर लिया हमने इस तरह से, और इस तरह से करके हम इसको इसमें से डालेंगे। साथियों ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग करी है, इसमें इसकी जड़ भी है ना, और कुछ नया शूट्स भी इसमें दिख रहे हैं। ये इसकी जो खाली जगह है यहाँ पे, ये मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ, इस तरह से लगा के मैं इसको ऐसे धागों से रस्सियों से बांध देंगे हम लोग इसको। साथियों देखिए, मैंने इसको यहाँ से बांध दिया है और इसमें वजन होने के कारण ये थोड़ा झुक रहा है, तो हम इसे एक पत्थर का सपोर्ट दे करके इसको सीधा कर देंगे। और इसे अभी हम इसको थोड़ा सेम ही शेड में रखेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें नई कटिंग्स लगाई हैं, है ना। तो इसको थोड़े दिन, हमको 3-4 दिन तो कम से कम इसको शेडी एरिया में रखना है। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी सहन कर लेता है,
जैसे पेड़ के सहारे रहता है, लेकिन हमारे गमले में लगा हुआ है बहुत तेज़ धूप रहती है तो ये इसके पत्ते जो हैं इस तरह से सूखने लग जाते हैं। ये देखिए ऐसे क्रिप्स ना इसके सूखने लग जाती हैं तो ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये थोड़ा शेड में रहता है तो खूब अच्छे हरे हरे पत्ते रहते हैं। अब हम इसके वाटर की बात करते हैं तो इसको सौगी मिट्टी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा लबालब पानी नहीं चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, बस थ्रोली पानी निकल जाना चाहिए तो ये प्लांट अच्छा रहता है। थोड़ा सौगी रहता है तो ये बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है तो इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकने लग जाती है। तो बस अब ये अपनी ग्रोथ के लिए तैयार हमने इसको कर दिया है। ये थोड़ा देखिए पहले इतना अच्छा लग रहा था लेकिन अभी ये सब टूट फूट हो गई है, लेकिन अब थोड़े दिनों में ये थोड़ी अच्छी अपनी ग्रोथ को पकड़ लेगा तो और अच्छा बुशी सा दिखेगा। इसी तरह हम इस प्लांट को बुशी बना सकते हैं। ये मेरी छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लोगों के साथ में आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। नमस्कार।